इस समय रात के 1 बज रहे हैं और हम सब मौजूद हैं इको गार्डन में। आप सबको पता ही होगा कि हम सब नए शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरने पर बैठे हैं और इस समय आप देखिए काफ़ी ठंडी में हमारे संघर्षशील साथी विश्राम कर रहे हैं। हम सब इस ठंडी में खुले मैदान में सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हम सबकी मजबूरी यह है कि हम सब बेरोजगार हैं। प्रदेश सरकार हम सबके लिए रोजगार न मुहैया कराने की वजह से और आचार संहिता लगने वाले समय के कारण हम सब अनवरत धरने में बैठे हैं। सभी हमारे साथी किसी न किसी तरीके से इस खुले मैदान में इस ठंडी के मौसम में जमीन में सोने को मजबूर हैं। यहाँ पर मच्छर भी हम सबको काट रहे हैं, नींद तो किसी को आ नहीं रही है। हम सब रात्रि भर जागरण करते हैं किसी तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने, संख्याएं बढ़ें या अनवरत धरने का जो सिलसिला है यूं ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं ये कम से कम इस वीडियो को हमारे उन सभी साथियों तक पहुंचाएं जो साथी को पता नहीं है कि हमारे इको गार्डन पर धरना चल रहा है। अगर आप सब अनवरत धरने में नहीं आएंगे, आप सब अनवरत धरने में नहीं रुकेंगे तो बताइए कैसे होगा। आज हमारे संघर्षशील साथी राम यागिक जी, सभी मेरे साथी धरना स्थल पर लेटे हुए हैं। रात्रि का समय है, आप सब अपने घरों में होंगे तब भी आप कुछ ओढ़े हुए होंगे, लेकिन आज हम सब लाखों लोगों के लिए रोजगार के लिए हम सब अपने शरीरों को नौछावर करने के लिए एक इको गार्डन धरने में बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए कि आप सब जागेंगे, आप सबको लगेगा कि हम सब लड़ रहे हैं तो आप सब हो सके जाग कर आप भी धरने में आएंगे, तभी प्रदेश सरकार मजबूर होगी, अन्यथा प्रदेश सरकार मजबूर नहीं होगी। स्थितियां दयनीय होती जा रही हैं। भर्ती का तब पता नहीं है, आज अमिताभ सर ने भी मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार को बताया, आप सबको बताया कि दिन पर दिन एक दिन कम होते जा रहे हैं और सरकार भर्ती नहीं देगी तो आगे चल के आचार संहिता ही इसका कारण बनेगा। इसलिए मैं आप सबको बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि निवेदन इसलिए है कि अगर आचार संहिता लग गई तो तीन साल और हम सबके लिए घातक बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ इस रात्रि के दौर में कि अगर जो भी साथी देख रहा हो वीडियो कम से कम धरने में जरूर आए, और जो साथी नहीं आ रहा, जिस साथी को नहीं पता कि धरना चल रहा है उनको बताएं कि हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं और खुले आसमां के नीचे लाखों लोगों के रोजगार के लिए और अपने लिए शिक्षक भर्ती सरकार से मांगने के लिए हम सब इस ठंडी में भी आप सबके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप सब साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, संख्या बल इको गार्डन में नहीं बनेगा तो हम सब कैसे सरकार से लड़ेंगे। इसी लिए मैं बार बार समझा रहा हूं, समय बहुत कम है। अगर प्रदेश सरकार पर कम समय के अंदर विज्ञापन नहीं जारी करवाया गया तो इसका खामियाजा 21 लाख प्रशिक्षित भोगेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार हमें यूपी टेट और सीटेट में लटका रखी है। अगर हम सब यूपी टेट और सीटेट के चक्कर में पड़ते हैं तो इसका खामियाजा सबको बेरोजगारी का दंश झेलना होगा। मैं जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी, अमरेंद्र जी, अमर जी, आप कृपया करके
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि हम सब अनवरत धरने में रात्रि में बैठे हुए हैं और हम सबकी मांग प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। इस तरह से प्रदेश सरकार हम सबकी बातों को ना सुन करके आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप के लिए एक बड़ा वोट बैंक का खतरा करने वाली है। हम प्रदेश सरकार को भी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहते हैं, आज ये जो युवा ये जो प्रशिक्षित खुले मैदान में इस ठंडी के मौसम में सो रहे हैं, ये किसी माँ बाप के चिराग हैं, ये अध्यापक बनना चाहते हैं। आप इन्हें इस तरह से बेसहारा छोड़ करके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ना देकर इनके दिल पर जो चोट पहुंचा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको 2022 में भुगतना पड़ेगा। आज हम सबकी स्थितियां परिस्थितियां दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। आज दो दो दिन से हम सब सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर इस मैदान में इतने मच्छर, इसकी ठंडी, इस खुले आसमान के नीचे पर ओस के पड़ने के कारण हमारे अधिकतर साथी बीमार होते जा रहे हैं। जो भी लाइव वीडियो देख रहा है, निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को हर एक साथियों तक पहुँचाएं, अपने कोचिंग संस्थान के हर टीचरों को, अपने कोचिंग के स्कूलों में हर विधायक सांसद तक पहुँचाएं और उनको बताएं कि हम सब एक अध्यापक बनना चाहते थे, हमारे साथ अध्यापक बनना चाहते थे, आज भी बेसहारा मैदान में सो रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती की मांग लगातार रख रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार अनवरत धरने के साथ नहीं मानी तो हम सब भूख हड़ताल, अनवरत धरना प्रदर्शन पे जिस तरह से बने हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम सबके पास करो या मरो जैसी स्थितियां हैं। अगर हमारे शरीर नौछावर से 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं रजत सिंह आप सबसे वादा करता हूं कि जरूर मैं आप सबके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूंगा। आज दो दो दिन बीत चुका है, सरकार और शासन स्तर की कोई भी अधिकारी हम सबकी हाल खबर लेने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं लेने आ रहा है? इसका रीजन यही है कि हम सब में एकता नहीं, एकजुटता नहीं है। हम सबको ये लगता है कि भर्ती आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि भर्ती का दूर दूर तक अता पता नहीं है। सरकार भर्ती देना नहीं चाहती है, सरकार अपना चुनाव मुद्दा कुछ और बनाकर चुनाव लड़ना चाह रही है। इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि लखनऊ की धरती से आप हैं या किसी भी जिले से आप हैं, आप जरूर धरना स्थल पर पहुंचे और जिससे धरना सफल हो और शासन दबाव में आए और हमको आचार संहिता लगने से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी करे। मैं इसी निवेदन के साथ मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कल आप सब जितना जल्दी हो धरना स्थल पर पहुंचे, एक बड़ी संख्या इको गार्डन धरने में आप सब शामिल हों, जिससे शासन प्रशासन तक के होश उड़ जाएं और हम सबके दबाव के वजह से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री वार्ता करने के लिए और बात मांग को पूरी करने के लिए मजबूर हो जाएं। मेरे जितने संघर्षशील साथी हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लगातार मेरे साथ मेरे संघर्ष में 21 लाख लोगों को नई शिक्षक भर्ती के लिए आप लगातार कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये धरना समस्त प्रशिक्षितों का है, समस्त साथियों का है। अभी हमारा मुद्दा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। वही हाल है कि सरकार एक रोटियां फेंक करके दो बिल्लियों को आपस में लड़वा रही है। अभी इस समय हमें केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ना है। ऐसा ना हो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम सब लड़ते रह जाओ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना दूर हो जाए। आज हम सब का हाल बेहाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सारा दिन हो जा रहा हमारे साथ ही दिन भर बिना खाए पिए कैसी स्थितियों परिस्थितियों में सामना कर रहे हैं। ये है कि जो भी है मेरे साथी बहुत संघर्षशील हैं। मैं और अपने साथियों को मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतनी ठंड में भी वो मेरे हौसले को अफजाई करते रहते हैं, अगर कहीं से कमजोर पड़ रहा हूँ लगातार मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे साथ सभी संघर्षशील साथी हैं और दुख इस बात का है कि 21 लाख लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं और 2100 लोग भी इको गार्डन धरने में नहीं आ रहे हैं। हमारी कमी क्या है?
हम हर स्तर से आपके बैठने रहने खाने की जो खा रहा हूँ उसको खिला रहा हूँ, जहाँ बैठ रहा हूँ वहाँ बैठा रहा हूँ आपको, हर स्तर से जो मुझसे हो पा रहा मैं मदद कर रहा हूँ, तब भी आप धरने में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं इसका कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगामी भर्ती नहीं आई तो 3 साल में आप अपने माँ बाप को एक कारण जरूर बताइएगा कि जिसमें आपके साथी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे आप क्यों नहीं गए। आप जब बेरोजगारी में, जब पकौड़ा जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए पकौड़ा और समोसा बेचने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है, उसी प्रकार जरूर आप सब पकौड़ा और सब्जी का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बेरोजगारी के दौर में किसी प्राइवेट कॉलेज में या कोई स्कूलों में आप पढ़ाने जाएंगे तो 2,000, 3,000, 5,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपके माँ बाप, आपके भाई ने उस पैसे को हमें सही दिशा में करना है। अगर हमने DLED, BT, CTET पास किया है तो सरकार को रोजगार देना होगा, अगर नहीं देना है तो सरकार ये बोल दे साफ साफ कि DLED BTC का कोर्स नहीं कराएंगे, TET CTET का नहीं कराएंगे, हम भी किसी अन्य विभाग में चले जाएंगे, लेकिन तब ये विभाग कोर्स बंद हो तब, और अन्यथा अगर सरकार नहीं करती है तो हम सबको रोजगार दे। अगर उसकी क्षमता नहीं है रोजगार देने के लिए तो ये DLED BTC TET CTET का खेल खेलना बंद कर दे, और हमारे पैसों को जो उन्होंने लूटा है 40-40 हज़ार की DD लगा लगा करके, आज एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जिस तरह से उनके माँ बाप ने कर्जा लेकर के जमीन गिरवी रख करके धूप में पसीना बहा करके DLED BTC का कोर्स अपने भाइयों के लिए करवाया, वो साथी के ऊपर आज आसमान से जा गाज गिर पड़ी है।